गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिन मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन 1 द कैक्टस रीड करेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए कैक्टस दैट ग्रोज इन ए ब्यूटिफुल गार्डन लोकेटेड इन ए स्मॉल किंगडम नेम्ड रिमदिम। यह कहानी एक कैक्टस के पौधे की कहानी है जो रिमदिम नाम के एक छोटे से राज्य में स्थित बगीचे में उगता है। द किंगडम इज सराउंडेड बाय प्रेटी फ्लावर्स ऑन ऑल साइड्स। पूरा राज्य सुंदर फूलों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, चारों तरफ सुंदर फूल ही फूल थे। बट द कैक्टस इज ओनली फिगर इन द गार्डन, परंतु कैक्टस का पौधा अकेला गार्डन में था। लेटर ऑन बाद में ऑल द फ्लावर्स वॉन्ट टू बिकम हिज फ्रेंड्स। बाद में सभी पौधे उसके दोस्त बनना चाहते हैं। लेट्स रीड द लेसन आउट, पाठ पढ़े एंड फाइंड आउट हाउ द कैक्टस बिकम डियर टू एवरीवन, और जाने कि किस प्रकार कैक्टस सभी का चहेता बन गया। इन द मिडल ऑफ दिस ब्यूटिफुल गार्डन स्टूड द अगली कैक्टस। इस सुंदर बगीचे के बीच में एक भद्दा कैक्टस उगा हुआ था। इट हैड 3 स्टेम विच लुक्ड लाइक हेफ्टी क्लब्स। उसके 3 तने थे जो गदा की तरह दिख रहे थे। थॉर्न्स स्प्राउटेड ऑन दीज क्लब्स इन ओड पैचेज। इन गदाओं पर नए कांटे असामान्य रूप से उगाए थे। दो टू लुक एट द कैक्टस वॉज हार्ड एंड टफ। यद्यपि देखने में कैक्टस बहुत कठोर दिखाई देता था, बट एट हार्ट, परंतु हृदय से, इट वॉज सॉफ्ट जेंटल एंड लविंग, परंतु वह अत्यंत कोमल भद्र और प्रेम करने वाला था। ही ऑफन ट्राइड टॉकिंग टू द अदर फ्लावर्स। ही ऑफन ट्राइड टॉकिंग टू द अदर फ्लावर्स। वह प्राय दूसरे फूलों से बात करने की कोशिश करता था। आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू। मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ, आप लोगों का दोस्त बनना चाहता हूँ। द रिगल रोज शाही गुलाब। द प्राउड डेजी गर्विला डेजी। द एरोगेंट सनफ्लावर अभिमानी सूरजमुखी। एंड द रूड क्रिस्टनमम दे केप्ट क्रीबिंग अबाउट हाउ द अगली कैक्टस वॉज स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ देयर पार्ट ऑफ द गार्डन। वे हमेशा शिकायत करते रहते थे कि वह भद्दा कैक्टस उनके हिस्से के बगीचे की सुंदरता को कैसे नष्ट कर रहा है। I don't know why the gardener does not uproot the cactus. It looks so ugly. गुलाब कहता है, रोज कहता है कि मैं नहीं जानता कि माली इस पौधे को, इस कैक्टस को यहां से उखाड़ क्यों नहीं देता। It looks so ugly. वह बहुत भद्दा दिखाई देता है। You are right. तुम सही कह रहे हो। ही इज सो अगली, बहुत ही भद्दा है। वंस देयर वाज ए सीवियर ड्रॉट इन रिमदिम। एक बार रिमदिम में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। देयर वाज नो वाटर एनीवेयर, कहीं भी पानी नहीं था। द रिवर्स द पॉन्ड्स एंड इवन द वेल्स स्टार्टेड ड्राइंग। नदियां तालाब और यहां तक कि कुएं भी सूखते चले गए। द पुअर गार्डनर
बेचारा माली वुड टर्ज 4 miles इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में मीलों पैदल जाता था, एंड रिटर्न्स विद ए पॉट और टू, एक मटके या दो मटके पानी लेकर लौटता था, विच ही वुड गिव टू हिज फ्लावर्स, जिसे वह अपने फूलों को दे देता था। सून इवन दैट्स स्टॉप्ड, जल्दी ही वह भी सब बंद हो गया। द पीपल ऑफ द किंगडम रैन अवे टू अदर सिटीज एंड टाउन्स, राज्य के व्यक्ति दूसरे शहरों और कस्बों की तरफ चले गए। द गार्डनर टू वेंट अवे विद हैवी हार्ट, और माली भी भारी दिल से अपने फूलों को छोड़कर चला गया। ओनली द फ्लावर्स वर लेफ्ट बिहाइंड, केवल फूल ही पीछे रह गए। आज हम इस लेसन को यहीं तक रीड करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर और सुनकर इस लेसन को रीड करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।